दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है जो मनीष सिसोदिया, अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया से सीधे रूबरू होंगे। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। अजीज मेरे साथ है सर, वेलकम। गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत पाएगी, इसलिए आए। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से इतनी सारी सीटों पे आपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा है, क्या लग रहा है बीजेपी को हरा के रहेंगे? देखिए, बीजेपी को गुजरात की जनता है। 25 साल से बीजेपी ने नगर निगम में राज कर रखा है और अहमदाबाद के लोगों को नगर निगम में दिया क्या है बीजेपी ने? एक घंटे का स्कूल नहीं दिया, एक घंटे का अस्पताल नहीं दिया। सामान्य दुकानदार, सामान्य बिजनेसमैन को धक्के खाने पड़ते हैं अपने छोटे छोटे काम के लिए। तो गुजरात के लोग हराएंगे बीजेपी को। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या लगेगा कि गुजरात में कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे केवल 5 साल में दिल्ली में परिवर्तन हुए, बीजेपी 25 साल में नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 5 साल में चीज़ें चेंज करके दिखा दी। आप क्या देना चाह रहे हैं गुजरात को? नहीं, हम कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, गुजरात के लोग अपने लिए करेंगे। गुजरात के लोग हम काम करते हैं यार, हमारे पास क्या है? लेकिन हम तो सिर्फ एक तरह से इंस्ट्रूमेंट हैं। आज आम आदमी पार्टी का 5 साल का मॉडल है और बीजेपी का 25 साल का मॉडल है और लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी हारने जा रही है? बीजेपी हारेगी।